दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को बेहतरीन बल्लेबाज और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार के बाद पाकिस्तानी दिग्गजों ने उड़ाया भारत का मजाक। वर्ल्ड कप से पहले धमकी देते हुए किया पूरे क्रिकेट जगत को हैरान। जी हाँ दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का अंतिम मैच खेला गया जिसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में भारत की हार के बाद पाक के दिग्गजों ने भारत का मजाक उड़ाया है। भारत का मजाक उड़ाते हुए पाकिस्तानी दिग्गजों ने एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा। तो आखिरकार पाकिस्तानी दिग्गजों ने भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए क्या कहा, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट कोहली और रोहित शर्मा में से कौन है बेहतरीन बल्लेबाज, अपनी राय नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज खेली गई है। इसके पहले दो मैच में भारत को जीत मिली, लेकिन अंतिम मैच में राजकोट के मैदान पर भारत को 66 रन से हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में भारतीय टीम ने गेंदबाजी का ऑस्ट्रेलिया को 352 रन 7 विकेट के नुकसान पर रोका और इसका पीछा कर मात्र 286 रन बना दिए। ऐसे में भारतीय टीम की हार के बाद पाकिस्तान के दिग्गजों ने भारत का मजाक उड़ाते हुए भारत के खिलाफ बयान जारी किया है, जिसमें वसीम अकरम ने बयान देते हुए कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए अंतिम मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों का सबसे खराब प्रदर्शन देखने को मिला है। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने बता दिया है कि वो दबाव में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाती है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो सीरीज जीत गई है, लेकिन अंतिम मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारत को जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंतिम मैच में हार का सामना करना पड़ा है, उसी तरीके से हमारी पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में भारत को हराकर अपना बदला पूरा कर लेगी। तो वहीं इंजमाम उल हक ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में बेशक जीत हासिल की है, लेकिन अंतिम मैच में भारतीय टीम की असलियत पता चल चुकी है। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने दिखा दिया है कि वो बड़े मैच में अपने आप दबाव में आकर हार जाती है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम को जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बुरी तरीके से हारना पड़ा है, उसी तरीके से हमारी पाकिस्तान की टीम के खिलाफ भी भारत को 14 अक्टूबर को होने वाले सबसे बड़े मुकाबले में हार का सामना करना पड़ेगा। तो वहीं शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम इस समय वनडे रैंकिंग की नंबर वन टीम है और भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। हालांकि भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों ने अंतिम मैच में खराब प्रदर्शन किया। भारतीय टीम ने जिस प्रकार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दबाव में आकर मैच हारा है, उसी तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ भी मैच भारतीय टीम हारेगी। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि 14 अक्टूबर को होने वाले मैच में भारतीय टीम दबाव में आएगी और अपने घर में पाकिस्तान के खिलाफ हारेगी, ऐसे में भारत हार के लिए तैयार हो जाए। तो वहीं अफरीदी ने बयान देते हुए कहा है कि भारत को इस सीरीज में जीत मिल गई है, लेकिन अंतिम मैच में भारतीय टीम को बाहर का सामना करना पड़ा है। इस मैच में भारत की खराब बल्लेबाजी और गेंदबाजी देख मुझे लग रहा है कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप में दिक्कत का सामना करेगी। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जिस प्रकार भारत को परेशान किया है, उसी तरीके से पाकिस्तान की टीम भी भारत को परेशान करेगी और जीत हासिल कर वर्ल्ड कप को भी अपने नाम कर लेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मैच में जीत हासिल कर पाएगी या नहीं, अपनी राय नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।